नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम देवेश है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक्नोलॉजी देवेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube के वीडियोस पे आई बटन किस प्रकार से लगा सकते हैं। दोस्तों, आई बटन जो है क्या काम करता है और इसका क्या बेनिफिट है, उस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आई बटन लगाने से एक तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जो आपने पुरानी वीडियोस बनाई होती हैं उनका प्रमोशन होता है, और अगर आप कोई नई वीडियो बना रहे हैं और उसके अंदर कोई पुराने वीडियो की बात अगर चल रही है और आप उस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं तो वहाँ पर अपना आई बटन लगा दीजिए, जिससे कि आपके व्यूअर्स जो हैं उस आई बटन के माध्यम से आपके पुराने वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। इसलिए आई बटन का YouTube के वीडियोस में महत्व है। तो ये किस प्रकार से लगाया जाता है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। जैसे आपको कोई वीडियो चल रहा है और इसमें यहाँ पर ये आई बटन आ जाता है, जिससे कि मेरे जैसे मैंने लगाया हुआ है, ये पुराने वीडियोस जो है मेरा वहाँ पर प्ले हो रहा है। अगर किसी मेरे व्यूअर को ये वीडियो देखना है तो वो सीधा यहाँ पर इसको प्ले करेगा तो यहाँ पर मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से लगाया जाता है और कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और सब बताने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दिया है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरीके से अधिक जानकारी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये मेरा चैनल खुला हुआ है, जैसे आप अपने YouTube चैनल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे, एक मिनट, आप अपने सेटिंग्स में आपके चैनल्स के अंदर जाएंगे, चैनल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में आप व्यू एडिशनल फीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। अब जिस भी वीडियो के ऊपर आपको आई बटन लगाना है आप वहां पर आई बटन लगा सकते हैं। तो जैसे मेरे को इस वीडियो के ऊपर आई बटन लगाना है तो यहां पर मैं सिंपली एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरा वीडियो ओपन हो चुका है। दोस्तों, अब जो हमें आई बटन का कहाँ से मिलता है, ये देखिए ऊपर की जो स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पर आई कार्ड्स, ये हमारा एक ऑप्शन है जहाँ से हम आई बटन अपने वीडियोस के ऊपर लगाते हैं। तो चलिए हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इस आई बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऐड कार्ड लिखा हुआ है, इस ऐड कार्ड को हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारे पास प्रमोट अनदर चैनल्स करना है या पोल करना है या लिंक, अगर हमने हमारे पास कोई वेबसाइट है तो हम अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पर कर सकते हैं, और वीडियो और प्लेलिस्ट यहाँ पर हम इसको क्रिएट करते हैं। अब हमें इस वीडियो के ऊपर कौन सा वीडियो लगाना है अपना, तो हम इस वीडियो को ले लेते हैं, हाउ टू परचेज चीप एंड बेस्ट होस्टिंग प्लान इन इंडिया। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट कार्ड पर करेंगे तो ये हमारा वीडियो जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इसको आप यहाँ पर और भी वीडियोस ऐड कर सकते हैं, 5 वीडियो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आई कार्ड में, एक साथ आप 5 वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो बारी बारी आपके वीडियोस जो हैं वो प्ले होते रहेंगे। इससे बेनिफिट रहेगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपके वीडियोस तो वॉच कर ही रहे हैं, साथ में जो आपके ओल्ड वीडियोस हैं उनको भी आपके व्यूअर्स को पता लग जाएगा कि आपने पहले कौन से वीडियो बनाए हुए हैं, और इसका ये बेनिफिट है। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये आई कार्ड के माध्यम से आप इसमें अपना वीडियोस जो हैं आई बटन को लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरीके से मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूँ और आपके लिए जानकारी देता रहूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।